चल जा यहाँ से, बोलो ना तेरे को, चल। ऐसा कोई बच्ची से बात करता है क्या? साहब भूख लग रही है साहब, साहब पैसे दे। तेरे को बोलना, जा यहाँ से। अरे जय जय जय, अरे सुन तो सही, जय जय। बेटा सुमित, इसके तो खून बह रहा है यार, क्या कर दिया तूने? व्हाट्स योर प्रॉब्लम? जय छोड़। प्रॉब्लम? अरे यहाँ पर हम तीन आदमी की मदद करने की बात कर रहे हैं। जय संभाल अपने आपको यार, देख लीजिए। अरे जा निकाल यार यहाँ से। जस्ट चिल बेचारी, छोड़ूंगा तुम लोगों को, निकल। क्या यार जय, कांच में हाथ मार दिया, दिखाई नहीं दिया चढ़ा हुआ था। बच्चे को देखना यार। ठीक है बेटा। नहीं नहीं, मामूली सी चोट, हरामजादगी की भी आदत थी यार। अरे बच्चे को क्या हुआ मेरी बच्ची? हाँ भाई साहब, ओ भाई साहब, कौन है आप? बाप हूँ उसका। बाप? कैसे बाप? ताश खेल रहा था, हट्टा कट्टा है साला, हाथ पांव सलामत है तुम्हारे और तुम बच्ची से भीख मंगवा रहे हो, कैसे बाप हो यार? जय जय जय, आई टोल्ड यू रिलैक्स ना। एक काम कीजिए, ये लगा देना। ख्याल रखो बेटा अपना। कम ऑन। क्या हुआ आज साले साहब का मूड ऑफ क्यों है? कुछ हुआ क्या? अरे कुछ नहीं, आज पंगा ले लिया रोड के ऊपर। किससे? जजी छोड़ी ना, जय को आप जानते ही हो ना। क्या हुआ जय? डिस्टर्ब हूं और क्या, चेन ऑफ इवेंट्स तो देखो, धड़ा धड़ धड़ा धड़ धड़ा धड़, एक के बाद एक। एक लड़की जिसकी मैंने ऐवे ही मदद कर दी, वो मेरे सामने जम करके सुसाइड कमिट करती है। एक किडनैप हुआ बच्चा मुझे मिल जाता है, एक गरीब बच्ची भीख मांगते हुए मेरे सामने पिट जाती है। कितना मैं इस रियलिटी से दूर भागने की कोशिश करता हूं, ये सब चीजें मुझे ही क्यों दिखाई देती? दिखाई सबको देता है जय, दूसरे लोग नजरें फेर लेते हैं। तुमने सुना होगा ना लोगों को कहते हुए कि मैंने आउट ऑफ द वे जाके उसकी मदद की। ये आउट ऑफ द वे ही तुम्हारा वे है, क्योंकि तुम बने ही ऐसे हो और तुम्हारी यही बात तुम्हें दूसरों से अलग करती है। तुम मिलिट्री छोड़कर गैराज में जिंदगी गुजारने के लिए नहीं बने हो, तुम बदलाव लाओगे, मुझे यकीन है। कब और कैसे बस ये देखना है। हमें भी तुम पर पूरा यकीन है जय। बुराई एक जहर की तरह होती है जो बहुत जल्दी फैल जाती है, और अच्छाई दवा की तरह जो वक्त लेती है लेकिन असर जरूर करती है। चीयर्स। क्या बे मोटे, आजकल स्कूल क्यों नहीं आता बे? यार स्कूल दूर है, मुझे पैदल जाना पड़ता है, मैं थक जाता हूँ यार। ये ले मेरी साइकिल ले, इससे तेरी एक्सरसाइज भी हो जाएगी और अच्छे नो बहाना। यार थैंक यू यार। ए थैंक यू मत बोल, जब भी मौका मिले ना तो कोई भी तीन लोगों की मदद करना और उनसे कहना कि आगे तीन लोगों की मदद करे, समझा? क्या अंकल? ए चल। कहाँ हो डार्लिंग, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। वाओ मॉम, क्या जगह है, आई लव दिस प्लेस, है ना? ओह दिस वाज मेरा आइडिया। ओ मामू, आई लव यू। अरे लव यू, तमीज है क्या खाके तुमने इसको पैदा किया। मैं तेरे को बाद में फोन करता हूँ। मामू चलो ना यार, मामू मामू प्लीज यार, मामू क्या स्लो चल रहा है, मामू फास्ट चलो ना, मामू चलो ना। वो अपना मेन हीरो है ना, अपनी फैमिली के साथ वंडरलैंड आया है, फटाफट आ जाओ भाई, आज ही उसका गेम बजा डालते हैं। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर मामू, मामू उस दिन थिएटर से आपको पिंक कलर बहुत पसंद आया। पिंक? डडंग 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 डडंग। ये क्या गाना है? मॉम पिंक पैंथर, पिंक पैंथर। अबे साले छोटे छोटे क्या, हाँ छोटे 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 मूंगफली, छोटे मुंह छोटे मूंगफली, देखो दिखा तो मूंगफली। माय नेम इज पिंकी, पिंकी की जवानी। कबीर चलो
ट्यूशन का टाइम हो गया। आ जा, तुझे छोड़ता हूँ। और मम्मी की वॉक का भी टाइम हो गया। हाँ, लेके जाऊंगा। बाय पिंकी। बाय। हाँ? I mean रिंकी। बाय पिंकी। बाय पिंकी। अब से डरना पिंकी। कहाँ है वो? आप लेट हो गए भाई, चला गया वो। तू तो कह रहा था उसकी फैमिली भी साथ में है। अंदर है। सब लोग बाहर। हे चल। ये गलती मत करना। बोला अपने भाई को फोन करके। जय, बोल रहा हूं भाई। क्या हुआ? अरे भाई, वो हरामखोर माधव की मदद करने आया था 10 आदमियों को लेकर, लेकिन सिर्फ 3 बचे हैं भाई। बोलो कितने? भाई अकेला है वो। ये क्या था भाई? जानवर है, जानवर नोच रहा है, पागलों की तरह काट रहा है लोगों को। तू जहां पर भी है उसे अपने पास वाले पार्टी ऑफिस तक पहुंचा दे। उसकी चिल्लाहट को चीख में बदल देंगे।
कोशिश करता हूं भाई। घर जाओ। वो देखिए। अरे क्या देखे राजपूत साहब, ना कोई कांड हुआ है ना एफआईआर हुआ है। अरे कुछ होने तो दो, फिर ना फायदा होगा। जिंदगी में अगर तरक्की करनी है तो नो एंट्री और सिग्नल के बाद खड़े रहना सीखो। पहले खड़े रहोगे तो सिर्फ हाथ मलते रहोगे। कौन हो तुम? मैं वो जिसकी बहन की इज्जत पर तूने सर। देखिए, मेरा भाई कोई गुंडा नहीं है, बल्कि उसने तो फौज में रह के देश की सेवा की है। मैडम, इन्हें अंदर करके हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, पर क्या करें, कानून से बंधे हुए हैं। मैडम, एफआईआर दर्ज हो चुकी है, गुनाह दाखिल हो चुके हैं। अगर अब हम इन्हें छोड़ते हैं तो हमारी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। ऊपर से बहुत सारा प्रेशर है। मेरी सिर्फ इतनी सलाह है आपको कि अच्छे से अच्छा वकील करिए आप। जल्दी से जल्दी इन्हें जमानत दिलवाइए, वरना मंडे तक इन्हें यही रहना पड़ेगा। सॉरी मैडम। ओ, तो तू है वो, छोड़ इसको। सर, इनकी एफआईआर दर्ज हो चुकी है, अब सिर्फ कोर्ट में जमानत हो सकती है। फाड़ के फेंक सर। जी सर। यस सर। सर क्या कर रहे हैं आप? सर आप ही ने कहा था कि नौकरी जा सकती है सर। अब आपकी नौकरी जाएगी नहीं, अब आपकी तरक्की हो जाएगी। और कुछ? और बाहर भेज इसे। सर आप चुप कर मेरे बाप। तूने मेरे आदमी का हाथ तोड़ा, अब मेरे आदमी तुझे तोड़ेंगे। यस। नाइ। उठ।
आयदर चल निकल। जिनके सामने हाथ जोड़कर भीख मांगते हो उन्हीं को अपने पैरों तले कीड़े मकोड़ों की तरह रोक देते हो। शरीफ आदमी को बुजदिल समझते हो, इज्जतदार आदमी को कायर, ईमानदार आदमी को बेवकूफ। आम आदमी सोता हुआ शेर है, उंगली मत कर जाग गया तो। चीर फाड़ देगा। उसने जो हमारे साथ किया है उसकी सजा मौत है, मौत। ऐसे लोगों की मौत उनका सर काटने से नहीं बल्कि सर झुकाने से होती है। उस कुत्ते के चारों तरफ एक घेरा बनाओ, मेक अ सर्कल। दो दिन के लिए मैं दिल्ली जा रहा हूं, आते ही भैया ये पापा को क्या हो गया है? हमारे साथ इतना कुछ हो गया है और वो इतने खामोश बैठे हैं। चलो कुछ दिखाता हूं। ये कौन है? ये उस अपाहिज लड़की का भाई है जो तुम्हारे खिलाफ एफआईआर लिखाने गया था और पापा के कहने पे मैंने इसका ये हल किया। अब सोचो उस जय अग्निहोत्री का क्या होगा। फोटो दिखाता है पंडित, अगर ऐसी आड़ी टेढ़ी लड़कियों से शादी करनी होती तो मेरे लड़के की अब तक 10-10 शादियां हो गई होती। ओहो माँ जी, जय का थोड़ा सा ट्यूजडे भारी है, मतलब मंगल भारी है, इसलिए शादी थोड़ी सी लेट हो रही है। लेकिन आप चिंता ना करें, मैं तो 10 साल में 10 दिन में शादी करवा दूंगा। नानी आपको बेवकूफ बना रहे, तो शादी हुई नहीं, मामू की क्या शादी करवाएगा? क्या पंडित, तूने तो मुझे कहा था कि तेरी शादी हो गई है, हा? और तेरे दो बच्चे हैं? नहीं नहीं, बच्चे हैं, दो बच्चे हैं, हो सकता है मेरे ही हो। नहीं नहीं, मेरे ही हैं। अरे यार, और बीवी तेरी? बीवी है लेकिन उससे छोटा सा तलाक हो गया है। छोटा सा मतलब? मेरी बात सुनिए, मेरी गलती से हुआ। एक दिन क्या हुआ माँ जी, मैं टाइम से पहले अपने घर पे पहुँच गया। मैंने जाके बेल बजाई, अंदर जाके देखा मेरी बीवी बेचारी अपनी बिल्डिंग के वॉचमैन के साथ आराम कर रही थी। मेरे बेल बजाने से दोनों डिस्टर्ब हो गए, इसलिए हमारी शादी डिस्टर्ब हो गई। लो, क्योंकि बीवी तो संभाल नहीं पाया और मामू की क्या शादी करवाएगा? अरे कमीने, ठीक है रे बच्चे, बच्चे की लग जाएगी। बच्चे को तरस आ गया, कहता मुझे लग नहीं है, मुझे लग नहीं है। ढोंगी, देखो नहीं, मेरी नानी को लग जाएगी। एक सेकंड रुको नानी। ए, क्या कर रहे तू? ये लो, इससे मारो इसको। ओए बच्चे, अगर राक्षस है तू, हैं? राक्षस, मारो इसको। राक्षस, ये देख तू है, हैं? क्या नानी, अब ये पंडित वंडित के चक्कर में पड़ते हो। मामू ने अपने लिए एक लड़की ढूंढ ली है। क्या, कहाँ है वो, कैसी है, हा? वो एक्चुअली हमारी अरे अरे नानी, ये तो वही है। कितनी प्यारी है, एकदम खानदानी लगती है। हो गया, चले जी। तेरी माँ इसको जानती? हाँ, अरे यही तो हमारी पायलट पड़ोसन है। उफ, कितनी खराब है, बिल्कुल बेकार लड़की है।
मुझे नहीं चाहिए ऐसे लड़के अपने जाए के लिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। मिलो ना, अरे नानी अपनी बहू से मिलो ना। नहीं नहीं, अरे नानी मिलो ना, मिलो ना। तो तुम पता नहीं तू बहुत शैतानी कर रहा है। छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। नहीं नहीं, तू मेरे बेटे को पसंद करती है? जी अगर हाँ तो इससे दूर रहे। इनसे पूछो और कितनों से दूर करेंगी? वो सब मैं नहीं जानती, लेकिन अगर तू इससे दूर नहीं रही तो तेरा पत्ता कट। पत्ता कट, पत्ता कट, खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रही है। हाँ तो मेरा ही पाव कटेगा ना, इससे कह दो ये तो समझदार है ना, है ना? अगर इतनी समझदार है तो मेरी बेटी को समझाए सारा। आजकल न जाने कैसी हरकतें करता है, मुझे तो बड़ी फिक्र रहती है उसकी। इससे कहो, इसकी तो सुनता भी है वो। क्या ये सच में बहुत तंग कर? क्यों रे, ये सब तेरी हरकत है ना, चल तुझे दिखाती हूँ। सीरियस कॉम्प्लिकेशन है। क्या हुआ? एक्सीडेंट की वजह से माँ को इंटरनल ब्लीडिंग हुई और किडनी भी डैमेज हुई है। ओह माय गॉड, हमें तुरंत किडनी ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा, बट वी नीड अ डोनर। तो हम दोनों हैं ना? हाँ, पर आप दोनों में से किसकी किडनी मैच होती है ये तो टेस्ट के बाद ही मालूम पड़ेगा। माँ, मुबारक हो, आपके एक फैमिली मेंबर की किडनी आपसे मैच हो गई है। तुमने? नहीं माँ। तो फिर क्या गीता ने? तो क्या रेहान ने? हाँ माँ। हम दोनों की किडनी मैच नहीं हुई, रेहान की हो गई। मैंने कितने दुख दिए अपनी नासमझी की वजह से तुम्हें बेटे और खुद को भी। अब बीती बातों को याद करोगी तो खुद को दुख होगा। अब सब ठीक हो गया ना? हम सब साथ रहेंगे अब, प्यार से एकदम, और इतनी खुशियां बटोरेंगे कि बीते हुए सब दुख भूल जाएंगे। अरे तुम वहां क्या कर रही हो? जी यहाँ आओ। आ जाओ। उस दिन के लिए बेटे मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। नानी, माफी वाफी मत मांगो, इसकी किडनी आपकी किडनी से मैच हो गई थी, फिर भी इसने अपनी किडनी देने से आपको मना ही कर दिया। नहीं आंटी, झूठ बोल रही है, चुप कर छोटे चूहे। चुप कर पिंक पैंथर। आंटी जी, आंटी जी, आंटी जी, रेहान आवाज दे रहा है माँ। वो किसी आंटी को बुला रहे, मुझे तो नहीं बुला रहे। आंटी कहेंगे ना तो मैं फिर से फाइल खींच के मारूंगी। मर्डर थ्रू लॉ समझता था, लेकिन आज से वाकई आप मेरी मदर लॉ बन गई हो। सुना है माँ बच गई है? वो इसलिए बच गई है क्योंकि उसे अपनी आंखों से और कई मौतें देखनी है। हेलो, कौन बोल रहे हैं? कविता पाटिल। और सुन, तेरी माँ का एक्सीडेंट नहीं हुआ है। उसे टक्कर मारी गई है, समझी?
करने जा रहे हो जय? तुम समझते क्या हो अपने आप को? तुम अब आर्मी में नहीं हो, ये लोग एक सिस्टम है जय, और तुम अकेले नहीं लड़ सकते इनके खिलाफ। अब तुम कुछ करोगे, कल वो लोग फिर कुछ करेंगे। आज माँ है, कल रेहान, फिर कबीर, फिर मैं। ये सिलसिला कहाँ जाकर रुकेगा जय? बस करो ये सब। इतने सालों बाद सब कुछ ठीक हुआ है, माँ मेरी जिंदगी में वापस आई। खत्म कर दो इस लड़ाई को यहीं पे जय, चाहे तुम्हें माफी मांगनी पड़े या कुछ भी करना पड़े, प्लीज मेरी खातिर।